हेलो गाइस, मैं हूं गौतम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं PGIMS रोहतक हरियाणा के ऊपर। यानी कि यार, अगर आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है या फिर कुछ पैरामेडिकल कोर्स करने हैं, उसके लिए जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है गाइस, वो है PGIMS रोहतक, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपके सामने ओपन करता हूँ प्रोस्पेक्टस जो कि जारी किया है यूनिवर्सिटी ने। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22। यानी कि यार, सबसे पहली लाइन से ही यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अगर आपको यहाँ पर BSc नर्सिंग करनी है या फिर कुछ पैरामेडिकल कोर्स जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उनके लिए यहाँ पर PGIMS रोहतक हैं और उसके जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। यानी कि मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं है, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप यहाँ पर BSc नर्सिंग या फिर कुछ पैरामेडिकल कोर्स इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, BSc नर्सिंग कॉलेज, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, इसके बाद BPT है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, यानी कि ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर इनके लिए आपको अगर एडमिशन चाहिए तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर कुछ और भी कोर्सेज हैं और कुछ और भी कॉलेजेस हैं जिनके डिटेल्स दी गई है, जो कि आपके सामने है, ठीक है। यानी कि यार, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप जिसके लिए भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपके जो एडमिशन वगैरह हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको आगे सारे के सारे डिटेल्स हैं वो बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, स्क्रॉल करके चलते हैं नीचे, और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो कॉलेजेस की यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर सभी अलग अलग कोर्सेज के लिए हैं, ठीक है। तो आप इन कोर्सेज के लिए इन कॉलेजेस में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक, ठीक है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मैं इसे मानता हूँ मेडिकल फील्ड के अंदर, ठीक है, हरियाणा की। अगर यहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए तो गाइज, एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सो गाइज, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर कोर्सेज हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वही मैं आज इस वीडियो में यहाँ पर आपके साथ करने वाला हूँ। टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करेंगे और हमारा भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वो सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ और कॉलेजेस हैं, यहाँ पर देखिए तीन कॉलेजेस और हैं, BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज सफ़ीदो, BSc नर्सिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज यहाँ पर करनाल में है, और BPT कोर्स इन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी DDU करनाल में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ जो एडिड कॉलेज होते हैं वो हैं, और उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे ही नीचे कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर है? आप देख सकते हो, सभी के सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के, उन सभी के यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं नर्सिंग वगैरह के लिए, उनकी डिटेल्स है। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले BDM नर्सिंग कॉलेज झज्जर में है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल है, उसके बाद हैप्पी चाइल्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पर सोनीपत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंडस कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिसार है। इसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं बीच बीच में से नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि भाई लाइन वाइज बोल रहे हो, नहीं, बीच बीच में से नाम बोल रहा हूँ। इसके बाद देखिए नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पर हिसार है, इसके बाद RR कॉलेज है नर्सिंग जो गुड़गांव में है, इसके बाद सरबती कॉलेज है जो कि महेंद्रगढ़ में है, ठीक है, रचना इंस्टीट्यूट है जो भी महेंद्रगढ़ में है, यानी कि ये सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन बात के ऊपर गाइज, यहाँ पर एडमिशन शेड्यूल दिया गया है कि कैसे आपको एडमिशन वगैरह लेना है, क्या क्या डेट्स रहेंगी। तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स, यहाँ पर जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं गाइज, वो हो रहे हैं 20/8/2021 से लेकर 9/9/2021 तक, ठीक है। यानी कि 20 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो वो आप 10 सितंबर तक ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस सबमिशन है उसकी लास्ट डेट है वो भी 9 है। इसके बाद यहाँ पर गाइज, फीस वगैरह के बारे में बताया गया है, 2400 रुपये फीस है जर्नल कैटेगरी के लिए, और 600 रुपये फीस है गाइज यहाँ पर और जितनी भी कैटेगरीज बच गई हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद गाइज, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए, सेकेंड लाइन के अंदर
डेट एंड टाइम फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET, यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा एडमिशन के लिए, तो उसकी यहाँ पर जो डेट और टाइमिंग है वो दी गई है 19/9/2021, यानी कि 19 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा सुबह 11 बजे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, और एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आपका 14 सितंबर को आपको मिल जाएगा। यानी कि आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए अगर आपको भाई अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। इसके बाद मेरिट लिस्ट वगैरह है वो आपको आगे बताते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है जो यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए चाहिए, 50% चाहिए यहाँ पर जो जर्नल और यहाँ पर EWS है उनके लिए। इसके बाद जो PWD हैं और अनरिजर्व कैटेगरी वगैरह हैं, ठीक है, जर्नल वगैरह की, उनके लिए यहाँ पर 45% और जो बच गई है उनके लिए 40%। इसके बाद गाइज यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन के बारे में बताया गया है कि अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजल्ट की जो कॉपी होती है वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर बाद में मार्कशीट वगैरह सभी अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद गाइज यहाँ पर देख लीजिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, तो ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्टस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो हमें ज़्यादा लंबी नहीं करनी, आपका भी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना और हमारा भी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए गाइज, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी कोर्सेज के लिए वो दी गई है, जैसे BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पर आपको 10+2 के अंदर सभी कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हो 50% जर्नल 40 वगैरह सारी की सारी दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट BSc नर्सिंग है उसके लिए दी गई हैं, इसके बाद सभी कोर्सेज के लिए दी गई हैं, तो ये आप सारा का सारा प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद गाइज आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइज यही है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि यार अगर यही नहीं हुआ तो भाई फिर क्या एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मीडियम रहेगा यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो इंग्लिश रहेगा, यानी कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, ठीक है, जिसमें 180 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, ठीक है। और यहाँ पर आपका 180 नंबर का क्वेश्चन और 180 ही यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और नंबर भी, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है गाइज, यानी कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो वो इतनी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, जैसे कि भाई बुकलेट आपको कब ओपन करनी है, यानी कि जो नॉर्मल यहाँ पर कंडीशंस होती हैं वो सारी की सारी बताई गई हैं, तो वो सब कुछ नॉर्मल है गाइज, इतना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अब हम चलते हैं स्क्रॉल करके नीचे और आपको बताते हैं कि आगे क्या बताया गया है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही कंडीशंस बताई गई हैं सारी की सारी, कि भाई आपको कैसे यहाँ पर OMR शीट के अंदर आंसर करना होता है, डार्क करना पड़ता है, तो वो सारी बातें आपको पता है, इतने तो आप यार बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे गाइज, यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आ जाती हैं सीट्स, यानी कि किस कैटेगरी के लिए किस कोर्स में कितनी सीट वगैरह हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पर जो कॉलेज है उसके अंदर 82 हैं, इसके बाद जो कॉलेजेस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग PGIMS रोहतक में 82 सीट्स हैं टोटल BSc नर्सिंग के लिए, इसके बाद दीनदयाल में 44 हैं, तो वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर भाई एक एक बताने लगे तो वीडियो फिर लगभग 1-2 घंटे की बन जाएगी, ठीक है, तो वो सारा का सारा आप पढ़ लेना, या फिर आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइज स्क्रॉल करके नीचे और आपको बताते हैं इसके बाद आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे के सारे अभी यहाँ पर सीट्स ही चल रही हैं, ठीक है। अब हम नीचे आ चुके हैं गाइज, और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, अब हमारे सामने आ चुका है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एट ए ग्लैंस, यानी कि आपको कहाँ अप्लाई वगैरह करना है वो बताया गया है, ठीक है। इसके बाद गाइज जैसे नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे आपको कहाँ पर करना है, तो www.uhsr.ac.in, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी प्रोस्पेक्टस के अंदर, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो कॉलेज हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे कि भाई आप यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, इस कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, यानी कि काउंसलिंग के अंदर भाग लेना पड़ेगा, और फिर आपका एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप नहीं जाते हैं तो यहाँ पर आपका एडमिशन है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आ जाता है सिलेबस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो सभी के लिए जो भी कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया सिलेबस फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए। इसके बाद यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए या फिर कहें कि जो और कोर्सेज हैं पैरामेडिकल उनके लिए यहाँ पर सिलेबस है। फिजिक्स के ये टॉपिक्स हैं 11, 12 के हैं मेरे हिसाब से, और केमिस्ट्री के भी। हाँ गाइज वही हैं, देखिए सॉलिड स्टेट रहा, इक्विलिब्रियम रहा, हेलो एल्केन, हेलो एरिन रहा, यानी कि सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपका 11th और 12th क्लास का रहने वाला है एनसीईआरटी का, ठीक है। और गाइज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉपिक्स भी आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो गाइज इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रोस्पेक्टस वहाँ से डाउनलोड करना उसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सारे के सारा अपना सिलेबस देख लेना, अपने इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेना और अपने शीट्स वगैरह सब कुछ चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि यार सिलेबस अगर एक टॉपिक यहाँ पर बताएंगे तो आपको पता है बहुत टाइम लग जाएगा, कितना बड़ा सिलेबस आप देख सकते हो। और मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि यार 11th 12th का सिलेबस यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। इसके बाद फीस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग की जो फीस रहने वाली है वो यहाँ पर है 16,250, यानी कि लगभग 16,500, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसकी, यहाँ पर 19,500 या फिर कहेंगे 20,000 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी की फ़ीस यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हॉस्टल यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल नर्सिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कंपलसरी है हॉस्टल लेना। अगर आप जैसे मान लीजिए पास के स्टूडेंट हैं तो आप घर से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं लेकिन आपका एडमिशन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में हो गया है तो फिर भाई आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी बातें आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको समझ में ना आए उसके लिए हम बैठे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार आपको खुद से ये सारी की सारी डिटेल्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। लिंक आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लीजिए। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, वो यहाँ पर जो अदर कोर्सेज हैं उनके लिए हैं, लेकिन जो आपके पास हैं वो अपने यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद गाइज यहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह बताई गई है कोर्सेज की, भाई कि कौन सा कोर्स कितने साल का होता है। जैसे देखिए जो बीपीटी है यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी वो 4.5 साल का है, 4 साल आपकी पढ़ाई और 6 महीने आपको यहाँ पर ट्रेनिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग है वो यहाँ पर 4 साल का है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है वो यहाँ पर आपका 2 साल का है। इसके बाद यहाँ पर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है वो 4 साल का है और 1 साल की इंटर्नशिप है यानी कि ट्रेनिंग है। तो ये यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज हैं और उनके यहाँ पर ड्यूरेशन है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको जिस भी कोर्स में एनरोल करना है वो आप देख सकते हो। इसके बाद रैगिंग वगैरह के बारे में बताया गया है जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गाइज यहाँ पर ये है प्रोस्पेक्टस जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर पूरा का पूरा फिर से पूरी वीडियो को समराइज कर देता हूँ गाइज। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है जिसकी जो डेट्स हैं वो यहाँ पर आपकी 20/8/2021 यानी कि 20 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आप कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है। आपका 19 सितंबर को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके अंदर यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह में नाम आ जाएगा जिस भी कॉलेज में, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन करवानी है और देन आफ्टर आपका यहाँ पर एडमिशन है वो आराम से हो जाएगा। सो गाइज सबसे बेस्ट यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए उसकी यहाँ पर मैंने डिटेल्स आपको बता दी हैं, PGIMS रोहतक। सो आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।